अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद खान। तो दोस्तों आज मैं वापस से अपने सोलर पैनल्स को साफ़ करने आया हूँ। तो आप लोग देख सकते होंगे कितने गंदे गलीज हो रहे हैं सोलर पैनल, और पता नहीं कितने दिन पहले हमने ये सोलर पैनल साफ़ किए थे। तो आज मैं इन सोलर पैनल को साफ़ करूँगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी मट्टी चिपकी हुई इनके ऊपर, और आज भी मैं अपने इन प्यारे ब्रश से सोलर पैनल को साफ़ करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते होंगे साफ कर दिया एक सोलर पैनल बाकी देखें कितने गंदे हो सकता है मैं लग एडिटर आपको स्क्रीन पे दिखा देगा बिफोर आफ्टर अगर हो सका ठीक है नहीं हो पाएगा तो माजरा अभी आप लोग देख लें ये अब ऐसा है और पहले ऐसे था ठीक है तो अब मैं एक कर लिए दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा तो ऐसे लाइन वाइज करते हैं। दूसरा सोलर पैनल भी हो गया जो हम समा दिए। मैं सोच रहा हूँ इनकी बॉर्डर लाइन भी करते रहता हूँ ताकि साफ अच्छा लगेगा ठीक है। तो आपके घर में भी अगर सोलर पैनल हो तो टाइम टू टाइम इसे करते रहें साफ, ताकि वो आपको ज़्यादा के वी दे, ज़्यादा वोल्ट्स दे ठीक है। अगर आप इन्हें टाइम टू टाइम साफ नहीं करेंगे तो ये ना ज़्यादा के वी दे पाएंगे आपको दे पाएंगे, ना ज़्यादा वोल्ट्स दे पाएंगे। तो इसलिए बनाए मेहरबानी ज़्यादा साफ़ करें इन्हें, मतलब हर दो हफ्ते बाद आपने इन्हें लाजमी चेकआउट करना है कि ये साफ़ है या नहीं है। हम लोग के बीच में करते रहते हैं साफ, अब मैं वीडियो लाजमी नहीं है बनाऊँ तो इसलिए कभी कभी मैं छोड़ देता हूँ वीडियो ठीक है। अभी मेरे पेपर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं तो और कोचिंग में चल रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोज़ पर फोकस नहीं करता। तो मेरा अपना चैनल है पायल किचन, मैं इस पर वीडियोज़ नहीं डाल रहा हूँ ठीक है। मेरे पेपर चल रहे हैं इसलिए मैंने बस बना दिया कि चलो आज पेपर का अच्छा गया है तो मैं आप लोग के लिए एक आध वीडियो बना दूँ।
ठीक है। तो आप लोग बराए मेहरबानी हर हफ्ते साफ करने, कहते हैं कि अगर बंदा सेब खाएगा तो उसे डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा, अगर आप इसे साफ करते रहेंगे तो ऐसे आपको कभी भी इसके डॉक्टर के पास यानी इंजीनियर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो हो गए बाकी लोगों को भी जल्दी जल्दी करते हैं। तो यार मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 सूलर पहले साफ़ कर दिए, ठीक है, और अभी ये 2 बाकी हैं, ये भी ऑलमोस्ट हो गया है, बस इस पर वाइप करने, और ये आखिरी छोटा सा है। सबसे अच्छा मुझे ये लगता है क्योंकि अभी ये जैसे ग्रीन है ना, साफ करने तो पिंक टाइप हो जाता है, अलग कलर का हो जाता है, इसके अंदर 2 कलर है, ड्यूअल कलर है शायद इसके अंदर है। मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊँगा जब मैं साफ़ कर रहा हूँ ना, बस इज्जत न करा देंगे। सही है, तो आप लोग बस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ठीक है। और अभी आप लोग देख सकते हैं वीडियो में लाइक मिल चुका है, बस थोड़ा सा और रहता है, ये भी हो जाएगा थोड़ी देर में, 2 मिनट में हो जाएगा। और ये बार 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 गंदा होता रहता है तो इसे साफ भी करना पड़ता है, वरना मसला हो जाता है। मसला क्या हो जाता है कि ऊपर मट्टी जमी रहती है, जैसे यहाँ पे बार बार हो रहा है तो मुझे इसे बार बार साफ करना पड़ रहा है। मैं आ गया हूँ लास्ट वाले पे बस, और ये बस मुझे यहाँ से लेके जाना है पत्तम। अब आ गया हूँ मैं लास्ट वाले पे, ठीक है। आप लोग देखें पहले इसका बिफोर, ये एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई जान, यार स्क्रीनशॉट हमारे कैमरामैन ने ले लिया। अभी आप लोग देख लें कितना ग्रीन हो रही है, अभी अगर इस पर फोकस करूँ मैं तो यहाँ से मैं मट्टी हटा दूँ, देखें ये 2 कलर यहाँ से होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हैं ये 4-5 सोलर पैनल से साफ़ करते हुए कितना ये गंदा हो गया पानी, तो मैं अपने हाथ धो लूँगा। तो आप लोग देखेंगे 4-5 से किए सोलर पैनल साफ़ और ये पानी इतना गंदा हो गया, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इसे बार बार साफ़ करना पड़ता है वाइपर को, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो मैं बार बार साफ़ नहीं किया था यहाँ से वाइप कर रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ पर मट्टी जो है, ठीक है, पानी भी बहुत कम बचे, और ये आखिरी इशू करें इसको साफ करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ तक, मैं तो करके दिखाता हूँ, ये यहाँ तक ग्रीन है ये देखें, और ये जो मैं हाथ से साफ किया था यहाँ पे ब्लू है, अगर आप फोकस हो रहा हो कैमरे में ये देखें यहाँ पे ब्लैक हो रहा है, ब्लैकिश है, और यहाँ पे थोड़ा ग्रीन टाइप कलर है, थोड़ा सा कैमरा अगर मैं दूर करके आऊँ तो आप लोग दिखें यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे ब्लैक, अभी मैं ऐसे साफ़ करूँगा तो वैसे ही हो जाएगा, दिखें देखा आप लोग ने कि कोई कुछ भी नहीं किया हुआ, ये जब आया था ऐसे ही है, ठीक है, सबसे ये मैजिक है हमारे पास। तो अभी साफ़ होने के थोड़ी देर बाद ये वापस अपना कलर बदल लेगा, आप लोग को मैं वो भी दिखाऊँगा, ये मुझे तो समझ नहीं आया इसके अंदर है क्या, या तो इसके अंदर मसला है या फिर इसके अंदर कोई जादू है, कुछ तो गड़बड़ है, ये आईडी को बनाना पड़ेगा, तो हमें ऐसे ही पता चल जाएगा कर रहा हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अलग अलग तरीके हैं मैं करता हूँ इसके अंदर, जब चैनल तो अलग अलग ब्लॉगिंग ही थी, बट मैं इसके अंदर ब्लॉगिंग के अंदर आप लोगों को रील दिखा रहा हूँ, मैं कैसे आप करते हैं। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आई होगी शायद, अगर उसमें भी नहीं आई तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ये शुरू की
दो तीन वीडियोस का लिंक है, आप उसे देखिएगा। सोलर पैनल में उसमें साफ करना दिखाएं अलग अलग चीज़ों से। इंशाल्लाह कोशिश करके अगली वीडियो में मुझे स्प्रे आता है स्प्रे गन, उससे इंशाल्लाह सोलर पैनल साफ करेंगे, या अगली वीडियो में सोलर पैनल को अच्छे तरीके से धोएंगे। मैं आपको ये सरप्राइज है कम्युनिटी पोस्ट में बता दूँगा कि किस तरीके से धोएंगे क्या करेंगे। बट अगले महीने तक वीडियो आएगी, अगले महीने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी नवंबर चल रहा है, कोशिश करके नवंबर में ला दूँगा या दिसंबर में ला दूँगा। ठीक है, यही करते होंगे तब देखिए। तब मैं इसको वाइप कर रहा हूँ। तो यार उस वक्त तो मेरे मोबाइल में स्टोरेज ख़त्म हो गई थी, बट अभी आप लोग को मैं दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये ब्लू ब्लैक हो रहा है, ये ब्लैक और ये ब्लू, ठीक है, मतलब ग्रीन। तो यार ये एक नया मतलब आप लोग ने नया देखा होगा, बट ये हमारे स्लोवेन में ऐसा है। तो यार आखिर में मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, यही कि हर चीज़ का लिंक इन डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपना बेल आइकन दबा दें। ठीक है, तो बस दोस्तों आज के इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी पुरानी वीडियोस अगर आपको देखनी है सोलर पैनल के हवाले से, दो तीन वीडियोस डाली हुई हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाके चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।